चल, आज हमारी टॉपिक है जो वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। या फिर हम लोग यहां पे कह सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। किसके नाम से जान सकते हैं? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम लोगों की आज यही पढ़नी है। तो हमें ये पहले जानना पड़ेगा कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है आपका, ये कितने प्रकार का कंप्यूटर आपका होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। सारी चीजों को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। बात समझ में आई? तो अब हम चलते हैं यहां पे। बेसिकली अगर हम बात करें इनकी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या क्लासिफिकेशन की, तो इनके आपके थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू वर्क। और आपका तीसरा होता है अकॉर्डिंग टू साइज। ये आपके तीन टाइप्स, बेसिकली तीन प्रकार आपके माने जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार? तीन प्रकार, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू वर्क और अकॉर्डिंग टू साइज। इन्हीं तीन भागों में हमारा कंप्यूटर बांटा गया था। बात समझ में आई? यानी कि विभाजित किया गया था इन्हीं तीन भागों में। ध्यान रखना इस चीज को। सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका अकॉर्डिंग टू पर्पस। क्या आएगा आपका? अकॉर्डिंग टू पर्पस आएगा। अब अकॉर्डिंग टू पर्पस यानी कि हमारा जब कंप्यूटर विभाजित हुआ, यानी बांटा गया, जब क्लासिफाई किया गया, तो सबसे पहला जो था अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि हम लोगों का पर्पस के अकॉर्डिंग बांटा गया कि कौन से पर्पस से कौन सा बनेगा। बात समझ में आई? ये हम लोगों का बांटा गया। ध्यान रखना इस चीज को, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस के अंदर आपका दो चीजें आती हैं। क्या क्या आएगा? दो चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका जनरल पर्पस और दूसरा आपका आता है एप्लीकेशन पर्पस। बात समझ में आई? ये दो प्रकार के आपके अकॉर्डिंग टू पर्पस के अंदर पाए जाते हैं। कितने? दो। अच्छा, अब हमें ये थोड़ा सा ये समझना है कि ये जनरल पर्पस क्या होता है और अपना एप्लीकेशन, सॉरी सॉरी, स्पेशल पर्पस होगा, एप्लीकेशन नहीं होगा यहां पे। हाँ, स्पेशल पर्पस क्या होता है? देखो ध्यान से। अब अगर मैं जनरल की बात करूं, कॉमन की बात करूं, ठीक है, ये कॉमन पर्पस। अब जनरल मतलब क्या होता है? दुनिया जानती है जनरल मतलब कॉमन, कॉमन चीजें होती हैं, यानी कि जो भी चीजें जनरली हम लोगों के लाइफ में यूज किया जा रहा हो, जनरली हम लोगों के लाइफ में इस्तेमाल किया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल पर्पस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जनरल पर्पस के नाम से जानते हैं। तो जो जनरल चीजें, जैसे क्या यूज करते हैं हम लोग जनरल चीजें, जैसे अगर हम बात करें जनरल कंप्यूटर्स कौन कौन से आते हैं, हमारा डेस्कटॉप आ जाएगा, हमारा लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है, हमारा टैबलेट आ जाएगा। ये सब क्या है आपके? ये सब हमारे जनरल कंप्यूटर्स हैं, जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस क्या होगा? जैसे रिज्यूम बनाना,
ठीक है, जैसे आपका बायोडेटा बनाना, ये सारी चीजें हमारा क्या है, जनरल वर्क है, ध्यान रखना इस चीज को। यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे जनरल वर्क के अकॉर्डिंग बनाया गया, जनरल काम के अकॉर्डिंग बनाया, जनरल के अकॉर्डिंग यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया, ध्यान रखना इस चीज को। बात समझ में आई? वहीं पे अगर हम लोग स्पेशल की बात करें, तो अब स्पेशल हम लोगों की लाइफ में भी दो चीजें होती हैं, एक नॉर्मल चीजें होती हैं, एक स्पेशल चीजें होती हैं। तो जनरल चीजें हम लोगों ने देख लिया कि जनरल कॉमन चीजें, भाई रोज हम लोगों को रोटी सब्जी चावल दाल ही खाना है। लेकिन अगर स्पेशल की बात करें तो हमें उस दिन पनीर भी खाना है। बात समझ में आई? उस दिन हम जाएंगे बाहर बढ़िया डिनर करने, हमारे लिए स्पेशल ओकेजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी जा लेंगे। अब स्पेशल पर्पस की बात करें, तो जैसे मान लो हम लोगों को स्पेस पे जाना है, अंतरिक्ष में, तो अब अंतरिक्ष में जाने के लिए हम लोग डेस्कटॉप लैपटॉप तो यूज नहीं करेंगे, मर जाएंगे रास्ते में। सही बात है कि नहीं? अगर हमें अंतरिक्ष में जाते समय कंप्यूटर यूज करना है, तो अब लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं, उसके लिए एक स्पेशल कंप्यूटर जनरेट किया जाएगा, एक स्पेशल कंप्यूटर बनाया जाएगा जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी स्पेस पे जाना हो गया, अंतरिक्ष में जाना हो गया, या हम लोगों को रिसर्च करना हुआ, या किसी भी चीज पर रिसर्च करना हुआ, या फिर हमें इंजीनियरिंग फार्मिंग की बात कर लो, बात समझ में आई, फार्मिंग की बात कर लो, तो इन चीजों पे जो भी चीजें हम लोगों की इस्तेमाल की जाती है, जो भी चीजें हम लोगों की यूज की जाती है, वो आपकी स्पेशल होती है। बात समझ में आई? क्या होती हैं आपकी स्पेशल चीजें होती हैं, और जो कॉमन चीजें होती हैं, जो रेगुलर बेसिस पे यूज की जाती हैं, वो हमारा जनरल चीजें होती हैं। तो पर्पस के अकॉर्डिंग दो ही बांटा गया, पहला जनरल पर्पस और दूसरा स्पेशल पर्पस। जनरल मतलब कॉमन, स्पेशल मतलब जो स्पेशल स्पेशली जिसका यूज हम लोग करते हो। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। दूसरा जो आपका बांटा गया वो था आपका अकॉर्डिंग टू वर्क। क्या बांटा गया? अकॉर्डिंग टू वर्क। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क की बात करें अगर हम लोग, तो वर्क आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो नहीं, तीन प्रकार का हो जाएगा। सबसे पहला जो अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि जब हम लोगों का काम के बेस पे बनाया गया, यानी काम के बेस पे जब बंटवारा हुआ, बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या कहेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और जो दूसरा बांटा गया वो आपका क्या हुआ? डिजिटल कंप्यूटर। बात समझ में आई? और जो तीसरा बांटा गया आपका वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर हो गया? यानी कि ये तीन चीजें हैं, ये तीन डिवाइडेशन है इसमें, ध्यान रखना इस चीज को लेकर के, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन तीनों को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ट्रेडिशनल कंप्यूटर का नाम आपने सुना होगा। क्लियर, बात समझ में आई? क्या सुना होगा? एनालॉग कंप्यूटर में आपने ट्रेडिशनल मॉडल का नाम सुना होगा, या फिर हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट आवर क्वांटिटीज, ये भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंट क्वांटिटीज, यानी कि ये क्या करता है आपका, रिप्रेजेंट क्वांटिटीज, यानी हम लोगों को क्वांटिटीज प्रदर्शित करने का काम करता है, यानी क्वांटिटीज दिखाने का काम करता है। क्लियर, बात समझ में आई? ये आपका क्वांटिटी दिखाएगा कि आपका ये क्या किस बेस पे होता है, या क्वांटिटी बेस पे होता है कि हम लोगों की क्या क्वांटिटीज हैं, कैसे हम लोग किस पे मेजर करेंगे, इन सारी चीजों पे ये डिटेल में देखता है। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर यूज कर लेते हैं, यानी कि आप लोग जो गाड़ी में यूज करके देखते होंगे, रिचर स्केल देखते होंगे,
रिचर स्केल का यूज कर लेते हैं। तो जो भी चीजें, अरे जैसे आप धर्म काटा सुने होंगे ना, धर्म काटा का यूज किया जाता है जो ट्रक वगैरह नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका यूज कर लेते हैं। और हम लोगों को स्पीडोमीटर जो गाड़ी में आपने देखा होगा, जैसे आप कभी भी अगर छोटे गाड़ी में देखोगे, स्प्लेंडर में देखोगे, तो कांटा ऐसे चलता है, बात समझ में आई, वो आपका एनालॉग मीटर होता है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब वो चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, और बदल करके क्या कर दिया गया है, अब जो है डिजिटल लेयर ठक 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 आगे बढ़ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता है, और एनालॉग में क्या होता है 10 20 30 40 50 बढ़ता है ना। तो ये एनालॉग मीटर होता है, और आपका ये वाला जो हमें दिखता है डिजिटली, वो डिजिटल मीटर होता है, ठीक है। तो एनालॉग क्या होता है, जो हम लोगों की क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने का काम करे। क्लियर बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो हम लोगों को टेम्परेचर नापे, जो हम लोगों का स्पीडोमीटर हो, जो रिचर स्केल हो, इन सब चीजों के लिए जो यूज होता है वो क्या होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा हम लोगों को समझने की ये देर है कि ये आपका डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, बात समझ में आई, क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। थोड़ा हम लोग डिजिटल कंप्यूटर की बात समझेंगे कि ये डिजिटल कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा हम लोगों को जानने की जरूरत है। देखो अब दो चीजें हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। सबसे पहली चीज होती है कि जो भी आपका 0 और 1 को समझे, क्या करें, जो भी, अब आप एक चीज तो बहुत अच्छे से जान, जो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि हम लोगों का जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 को समझने का काम करता है। किसको समझने का काम करता है, 0 1 को समझने का काम करता है, बात समझ में आई। और दूसरी चीज, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ऑन एंड ऑफ करने के काम में आता है। किसके काम में आता है, ऑन एंड ऑफ करने के काम में आता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये आपका दो चीजें होती है। ऐसे डेफिनेशन हम लोग समझेंगे कि ये कंप्यूटर हमारा क्या करता है, जो बाय इलेक्ट्रिसिटी हमारा ऑन ऑफ हो, दूसरा ये 0 और 1 को समझे, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है। अब कोई भी स्क्रीन और कोई भी मदरबोर्ड या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल होता है तो वो कंप्यूटर 0 1 को समझता है, वो मशीन 0 1 को समझती है। तो जितनी भी आप डिजिटल मशीनें देख रहे हो, ठीक है, वो डिजिटल मशीनें किसमें यूज होती है, वो 0 1 को समझती है। दूसरी चीज बाय इलेक्ट्रिसिटी ऑन ऑफ होती है, मतलब जैसे कि अभी आप कभी भी छोटी गाड़ी मान लो देख रहे हो, स्प्लेंडर, नॉर्मल स्प्लेंडर आप अगर देखते हो तो उसमें कांटा आपका ऐसे बढ़ता है 10 20 30 40 बढ़ता है ना। आप अगर गाड़ी बंद भी है, मतलब चाबी लॉक भी है, तब भी अगर चक्का चलाओगे तो घूमता है, देख लो कभी ध्यान से, ऐसे ही आप अगला चक्का चलाओगे ना तो वो ऑटोमेटिक 10 10 10 10 20 20 20 बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन जो आपके डिजिटल बाइक्स आ रही हैं, जब तक उसे आप चाबी ऑन नहीं करोगे, जब तक उसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक वो काम नहीं करने वाला, चाहे जितना चक्का घुमा लो, ठीक। जब तक आप उसकी उसको बिजली नहीं मिल जाएगी, जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तब तक वो क्या आपका काम नहीं करने वाला, ध्यान रखना इस चीज को। तो दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। पहला क्या है, एनालॉग है, दूसरा क्या है, डिजिटल है। एनालॉग ट्रेडिशनल मामला, डिजिटल जो इस समय में चल रहा हो, ठीक है, ये आपका होता है। इसकी बात हम लोगों ने कर लिया, ये आपका क्या होता है, डिजिटल होता है। प्लस डिजिटल इज इक्वल टू हाइब्रिड, यानी इसका मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर जो है हमारा वो एनालॉग होता है, ठीक है, क्या होता है, एनालॉग होता है, और दूसरा क्या होता है, डिजिटल। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, जब हम लोग मिला लेते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट मिलता है वो हमारा हाइब्रिड होता है। और हाइब्रिड सिर्फ यही पे नहीं, हाइब्रिड अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज आ रही है, हाइब्रिड से रिलेटेड अगर कुछ भी पूछा जा रहा है, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बैठा करके चलना, क्या, कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, ध्यान समझो,
क्या हमारा जो कंप्यूटर होता है या फिर कोई भी चीज टाइप्स ऑफ या टोपोलॉजी की बात कर लो या कहीं पे भी, तो जब जब हाइब्रिड आ रहा है तो उससे पहले जितने भी ऑप्शंस आए हैं सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर के हाइब्रिड बनता है, इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहां पे तो दो ही है, एनालॉग और डिजिटल, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हाइब्रिड तैयार होता है। और बेसिकली जब हाइब्रिड हमारा तैयार होता है तो वो इस्तेमाल कहां होता है, वो आपका इस्तेमाल हो जाता है हॉस्पिटल में। कहां इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, यानी कि हॉस्पिटल की जितने भी मशीनें हैं वो क्वांटिटीज को भी रिप्रेजेंट करती हैं और प्लस जीरो वन को भी समझती हैं और इलेक्ट्रॉनिक से ऑन ऑफ भी होती हैं। बात समझ में आई, यानी कि डिजिटल भी हो गया प्लस एनालॉग भी हो गया, देन इज इक्वल टू हाइब्रिड क्रिएट होता है। बात समझ में आई, हाँ कमेंट करके हमें बताएंगे आप लोगों को कि आप लोगों को बातें सारी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि हमारा एनालॉग कंप्यूटर, हमारा डिजिटल कंप्यूटर और हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है जी, कमेंट करके हमें जरा सा आप लोग बताएंगे। ओके, ओके जी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिजिटल, हाइब्रिड और एनालॉग, तीन चीजें क्लियर हो गई हम लोगों की। अब एक जो हमारा इसमें तीसरा टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, किसके नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू साइज के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोगों को समझने की देर, क्या क्या टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम अकॉर्डिंग टू साइज की बात करें तो ये आपका चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, चार। सबसे पहला जो आपका होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, किसके नाम से जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। और जो आपका दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं मिनी कंप्यूटर, और जो आपका तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और जो आपका चौथा होता है इसको हम लोग कहते हैं सुपर कंप्यूटर। बात समझ में आई, ये आपके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज के अंदर हम लोगों के चार प्रकार के कंप्यूटर्स पाए जाते हैं। जो सबसे पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोचिप, किसके नाम से जानते हैं इसको हम लोग, माइक्रोचिप के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर भी बहुत सारे टाइप्स का होता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है आपका डेस्कटॉप, दूसरा इसके अंदर क्या आता है, लैपटॉप, तीसरा इसके अंदर क्या आता है, टैबलेट, चौथा क्या आता है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आता है। ठीक है, पांचवा आपका आ जाता है इसमें पाल्म टॉप। ठीक है, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं। हाँ, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के भाग नहीं कह सकते हो। हाँ जी, ठीक है, ओके। तो अब हमें ये तो हमारा टाइप्स मैंने लिख दिया है, ये मैंने टाइप्स आपको लिख दिया कि अकॉर्डिंग टू साइज के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब हमें थोड़ी सी समझने की देर है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती, यानी कि क्या क्या होता है। देखो अब समझ लो, आपने अगर कभी ओला बुक किया होगा तो एक चीज वहां पता चलता होगा आप लोगों को कि
जो सबसे छोटे कैब्स होते हैं, सबसे छोटी जो हमारी गाड़ी होती है वो माइक्रो में आती है। किसमें आती है? आपकी माइक्रो के अंदर आती है, ठीक। उससे बड़ी गाड़ी हमारी मिनी के अंदर आती है, बात समझ में आई। और जो उससे बड़ी होती है वो हमारा मेजर के अंदर आती है, क्लियर हो गया। तो अगर ये आपने ओला के अंदर देखा होगा, आपने जाना होगा, तो यहां पे भी सेम थिंग मामला है। जो माइक्रो कंप्यूटर आपका होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, बात समझ में आई। क्या होता है? सबसे छोटा होता है, यानी कि जो कंप्यूटर सबसे छोटे में यूज किया जाता है, जिसमें जैसे हम लोग माइक्रोचिप का नाम आपने सुना होगा, या सबसे छोटे डेस्कटॉप लैपटॉप का नाम आपने अगर सुना होगा तो सुना होगा, डेस्कटॉप से तो आप ना सुने हो, सुने हो, बात समझ में आई। डेस्कटॉप लैपटॉप आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो डेस्कटॉप लैपटॉप है, डेस्कटॉप लैपटॉप, वो माइक्रो के अंदर ही आता है, सबसे छोटे में आता है। अब इन्हें हम लोग यूज करते हैं, सबसे छोटा स्मॉल इन साइज कहते हैं, जिसमें माइक्रो चिप, छोटी छोटी चिप्स लगे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो के नाम से जानते हैं। उसी से थोड़ा बड़ा मिनी कंप्यूटर होता है, उसी से थोड़ा बड़ा मेन फ्रेम होता है, उसी से सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो आपका क्या होता है? सुपर होता है। ये चार टाइप्स होते हैं, बात समझ में आई कि नहीं आई? मिनी की बात कर लो, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल फोन के अंदर आ जाएगा जी, मिनी माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हम माइक्रो की बात करें, वेरी स्मॉल इन साइज होता है कंप्यूटर ऑन चिप, पीसी हम लोग कह सकते हैं इसको। तो सबसे छोटा आपका माइक्रो प्रोसेसर, जो सबसे छोटी चिप लगती है आपकी, वो क्या होता है? उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो। और माइक्रो में जो सबसे पहला आपका पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। और डेस्कटॉप क्या होता है, इसको आप जानते हो? क्यों भाई नहीं जानते हो? जानते हो, डेस्कटॉप का मतलब होता है डेस्क प्लस टॉप। देखो ध्यान से, यहां पे ये चीज थोड़ी डिवाइड ये होती है कि डेस्क प्लस टॉप, यानी कि जो भी आपका डेस्क के ऊपर रख करके इस्तेमाल किया जाता हो, बात समझ में आई। जो भी चीजें आपकी डेस्क के रख करके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं, क्लियर। यानी टेबल के ऊपर रख दिया जाएगा, देन हम लोग यूज करते हैं, और आप लोगों ने देखा है कहीं भी गए होंगे तो डेस्कटॉप जरूर मिल जाता है, बात समझ में आई। ये हमारा डेस्कटॉप हो गया। उसी का छोटा भाई है लैपटॉप, उसी का छोटा भाई आपका कौन है? लैपटॉप। अगर ये लैपटॉप की बात करें हम लोग, तो लैपटॉप और डेस्कटॉप में डिफरेंस क्या होता है? पहली चीज कि लैपटॉप के अंदर क्या होता है आपका, हमारा जो लैपटॉप होता है उसको हम लोग इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इजिली उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं, यहां से वहां लेके जा सकते हैं। लेकिन ऐसा डेस्कटॉप में पॉसिबल नहीं है कि हम लोग किसी भी चीज को इजिली कैरी कर सकें, ऐसा डेस्कटॉप में पॉसिबल नहीं है, क्लियर। हम लोग हाथ में लेके कहीं भी जा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। यही लैपटॉप और डेस्कटॉप काम दोनों सेम करता है। टैबलेट की बात कर लो, टैबलेट आप लोग यूज भी करते होगे, और नहीं यूज करते होगे तो देखे तो जरूर होगे कि टैबलेट क्या होता है। टैबलेट जो कि हमारे लैपटॉप के तरीके से होता है, लेकिन लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड इनबिल्ड होता है और टैबलेट के अंदर कीबोर्ड इनबिल्ड नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज को। क्या हमने बताया? लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड इनबिल्ड होता है, और डेस्कटॉप के अंदर क्या होता है? कीबोर्ड इनबिल्ड नहीं होता है, क्लियर हो गया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टैबलेट के नाम से जानते हैं, ओके। पीडीए, पीडीए मतलब होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आप लोगों ने पहले के समय में देखा होगा, तो देखा होगा एक छोटा सा डिजिटल बॉक्स आता है जिसका हम लोग यूज करते हैं, और वहां पे एक चीज हम लोगों को मिलता है कि हम लोग या तो वजन भी कर सकते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं हम लोग, बात समझ में आई। पीडीए उसको कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। और लास्ट आपका होता है पाल्म टॉप।
पाल्म टॉप का मतलब होता है कि जब कोई भी कंप्यूटर हम लोग हथेली पे रख करके यूज करते हो या हमारे हथेली का साइज का हो तो वो हमारा क्या होता है, पाल्म टॉप होता है। जैसे आपका एंड्रॉयड फोन कह सकते हो आप, एंड्रॉयड फोन आपके हथेली में आ जाता है, वो आपका पाल्म टॉप के अंदर आ जाता है। बात समझ में आ गई सबको? हाँ जी बिल्कुल। तो ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं पाल्म टॉप। क्लियर बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा है मिनी कंप्यूटर। क्या है जी? मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो मिनी कंप्यूटर के अंदर क्या आता है आपका, कि जो भी आपका माइक्रो से बड़ा हो और मेन फ्रेम से छोटा हो, ध्यान रखना इस चीज को, क्या हो, आपका माइक्रो से बड़ा हो और मेन फ्रेम से छोटा हो, जिसकी थोड़ी सी जो लिमिटेशंस हैं, जो वर्क लेवल है वो ज्यादा हो। अब इसी तरीके से आपका मेन फ्रेम भी होता है, जो आपका मिनी से छोटा हो और आपका सुपर से बड़ा हो। इसमें आपके 200 कंप्यूटर्स एक साथ यूज कर सकते हैं हम लोग, ध्यान रखना इस चीज को, कितना, 200 से 200 कंप्यूटर्स यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यही आपका क्या होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल और सबसे तेज जो कंप्यूटर माना जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। हाँ बहुत अच्छी बात है। ओके ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं रह गया? पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत अच्छी बात है अगर डाउट नहीं है तो, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोगों का एक बहुत बड़ी टॉपिक स्टार्ट होगी जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। बहुत शानदार टॉपिक है और इसके अंदर एक दो नहीं लगभग 200 टॉपिक्स आ जाएंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे और जिससे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आज पॉसिबल नहीं है कि हम शुरू कर पाए, तो इस वजह से हम लोग जो आज मैं कंटेंट नोट सारी चीजें अभी तुरंत क्लास के बाद ऐड करवा दे रहा हूं आप लोगों का, और कल से जो आप लोगों की क्लास चलेगी वो आपका कंप्यूटर सिस्टम चलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो सभी लोग फुल एनर्जेटिक रूप में क्लास को अटेंड करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।